जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। दया कर दया मई मा, रख पण तो घोड़ाई। दया कर दया मई, किंचिते करुणा कले लागी कूड़े जाई। दया कर दया मई। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलाश लोचना घटन घटन पटियसी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलरे आभूम भूय भूय साष्टांग अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे आपण माने दर्शन करुछंती प्रातः कालरु अति अपूर्व दर्शन, दिव्य दर्शन, जो दर्शन आमर दिन को मंगलमय कर दिए, मंगलमय प्रभुंकर दर्शन करिबा द्वारा। मंगलमय प्रभु जे होचंती मंगलम जुगल ज्योतिषे मरकत वैद्य ज्योतिषे मंगल नामने मंगल धामने मंगल प्रेमने मंगल भूमने सर्व मंगल विग्रहाय सर्व मंगल निग्रहाय मंगलम नित्य मंगलम शुभ मंगलम जय मंगलम। जे होचंती नित्य मंगल, सेथिपाई प्रत्येकटी कार्य रे आमे माने लड़ू महाप्रसाद नहीं था। एवं ब्राह्मण माने जितेबले कोनोसी पूजा हुए आमे माने कही था नना आउ टिके तालिकाटा आमको दियो, पूजा रे कौन कौन सामग्री लागिव से तालिका दियंतु, से लिस्ट दियंतु आमको। आमे जितेबले एई कथा कही था सर्वादौ सर्वप्रथम लिखाव श्री लड़ू महाप्रसाद एक मूर्ति, प्रथम लड़ू महाप्रसाद लिखा हे तालिकार आरंभ देखु महाप्रभुंकर महाप्रसाद नहले कौन से काम हो पार ना। आजिकल कथा अलग किंतु विधान ये उत्कल प्रदेश रे मंगलमय प्रभुंकर लड़ू महाप्रसाद नहले कौन से कार्य हो पार ना। आपण मैंने दर्शन करुंच अति सुंदर भाव एवं वर्षा पड़ी महाप्रभुंकर श्रीमुख यद्यपि स्पष्ट भाव दर्शन हो पार नहीं कारण वर्षा वर्षा हो खरा हो बात्या हो पवन हो झड़ हो किंतु जय जगन्नाथ टीवी रे जगन्नाथ महाप्रभुंकर दर्शन सुनिश्चित। ये महाप्रभुंकर कृपा देखंतु एते वर्षा होउची बड़ दांड रे जड़े हेले केही लोक आपण को देख माने आपण देखिबे नाही, बड़ दांड शून्य। एवं किंतु जय जगन्नाथ टीवी रे दर्शन प्रभुंकर ये प्रभु को समर्पित, प्रभुंकर दर्शन प्राप्ति करिवा भक्त मानंकु जय जगन्नाथ टीवी रे संकल्प। तेणु सुंदर भाव रे दर्शन करुचे आमे माने महाप्रभुंकर आहा यद्यपि स्पष्ट दर्शन हो नाही तथापि महाप्रभुंकर से चका चका आखि रंगा धर कला श्रीमुख बारी हेउचंदि। आपण मानंकु समस्तंकि अकिंचन तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुचि एवं प्रातः काल रे दर्शन करुचे आपण मानंकु समस्तंकु सुप्रभात। एवं जेहेतु मांकर पूजा चालीचि भगवतींकर उपासना चालीचि मांकर षोडश दिनात्मक पूजा आरंभ होई सारिचि तेणु भगवतींकर जेहेतु आराधनार समय एठी जिते शक्तिंकर उपासना करा जाए आराधना करा जाए आपण देखिबे भगवती सुभद्रा देवी माने वामदेव संगीता श्री महादेव भगवती आदिशक्ति पार्वती को कहउचंती हे देवी शंखस्या वरणे देवी पतित प्रथम स्थिता रोहिणी कुंड पार्श्वेपी विमला नाम नामतः। हे देवी, हे भगवती, हे महादेवी, सतींक शरीरर अंश जेतेबेले रोहिणी कुंड पार्श्वरे पड़िवा परे
आपण महादेवी विमला नाम रे विख्यात हेले एवं आपण आपणंकर पूर्व संकल्प अनुसार पूर्व संकल्प कौन थला देवींकर ना देवींकर पूर्व संकल्प थला श्री प्रसादेन प्रतिदिनम भक्षिता तत्र केवला सत्यम शेन त्वया जातम पार्वती नाम नामतः तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्री महाप्रसाद सेवा करुछंती भगवती देवी विमला प्रत्येक दिन एवं वामदेव संहिता द्वितीय अध्याय रे कहगला प्रथमा वरणे देवी विमला चाद्य शक्तिका तिष्ठन्ति विष्णु निर्माल्य ध्यायन्ति च सदुत्थिता तदग्रे रोहिणी कुंडम कारुण्योदकम संयुतम ये शंख क्षेत्र प्रथम आवरण रे रोहिणी कुंड समुखरे सदुत्थिता होइकिरि आद्याशक्ति विमला अधिष्ठान करुछन् एवं महादेवी विमला सदा सर्वदा विष्णु निर्माल्य पाइबा पई ध्यानरत अछन्ति वामदेव संहितार मध्य कुआगला विमलो उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया जोग प्रभी तथा माने बलभद्र महाप्रभुंकर देखिबे नवशक्तिंकर मध्य रे भगवती देवी विमला विद्यमान अछन्ति बड़ ठाकुरंकर नवशक्ति किए ना विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया जोगा प्रवही सत्या ईशाना अपराजिता ये होंगे बड़ ठाकुरंकर नवशक्ति तेणु स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य वामदेव संहिता तथा नीलाद्री महोदय मतरे ये जिते देवी रही क्षेत्र में जिते ठाकुराणी अच्छा माँ सुभद्रा होती श्रीक्षेत्र अष्टशक्ति अष्टचंडीकर जननी माने माँ अटंती सुभद्रा होती मुख्य इटि सुभद्रा ठारू समस्ते तेणु पार्वतींकर जननी तांकर रथरे देखिबे पार्वतींकर जननी मध्य माँ सुभद्रा अष्ट अष्टचंडीकर जननी माँ पार्वती जननी से देखिए भगवती सुभद्रांकर रथरे नवशक्ति अच्छा नवशक्ति मध्य माँ विमला होती माने माँ विमला एवं माँ सर्वमंगला ये अन्यतम एवं पुनः शास्त्र मत जी आम देखा श्रीक्षेत्र अष्टशक्ति अष्टशक्ति किए ना मंगला बटमूलेतु कल्प बटमूल मंदिर भितर रही मंगला पश्चिम रे रहिले भगवती विमला शंख क्षेत्र वायु कोण रे रहिले सर्वमंगला उत्तर दिगरे रहिले अर्धासिनी बा मौसीमा ईशान्य दिगरे रहिले देवी आलम्बा बा आलाम चंडी बोली आमे कहू आला आलम चंडी एवं दक्षिण दिगरे रहिले देवी कालरात्रि कालरात्रि ना दक्षिण काली एवं पूर्व दिगरे रहिले मरचिका ठाकुराणी मरीचेई ठाकुराणी बोली अपभ्रंश होकर आम कहे सूर्य नारायण किरणमाला को मरीचिका बोली कह जाए एवं नैऋत दिगरे रहिले देवी चंडरूपा बा हरचंडी माने हरचंडी साहि रे ढीप जगह से रे माँ हरचंडी अष्टशक्ति अष्टचंडी मूल आद्याशक्ति भगवती सुभद्रांकर आज्ञा अनुसार देवी सुभद्रांकर आज्ञा अनुसार आपण देखिबे देवी पार्वतींकर शरीर रु सत्य युग रु प्रकट होई श्री क्षेत्र रा अंतर्वेद को सतत सुरक्षा करुछन्ति स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य रे कह जाइछि मंगला बटमूलेतु पश्चिमे विमला तथा शंखस्य पृष्ठभागेतु संस्थिता सर्वमंगला
अर्धाशिनी तथा लंबा कुबेर दिशि संस्थिता कालरात्रि दक्षिणस्यां पूर्वस्यां तु मरीचिका। कालरात्रि तथा पश्चात चंडरूपा व्यवस्थिता, तेणु अष्ट शक्ति अछंती क्षेत्र क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करिबा निमन्ते अंतर्विधि रक्षणार्थम सकतयोष्टौ प्रकल्पिता उग्रेण तपसा पूर्व महम रुद्रेण भावित पत्न्यार्थम सामामया सृष्ट्वा गौरी तस्या च भाविनी सर्वसौंदर्य वसती बभुषो मे विनिर्गता। तेणु ये केड़ बड़ कथा कहला, देखते ये क्षेत्र में जो अष्टशक्ति अच्छा तांकर जननी होती भगवती सुभद्रा, तयोर मध्ये स्थिता भद्राम सुभद्राम कुंकुमारुणाम सर्वलावण्य वसतिम सर्वदेवा नमस्कृतम। भगवती सुभद्रा होती माने सकल शक्ति जननी होती देवी सुभद्रा, मात कांपिल्य बासिनी अली अली भगनी राणी कालिया बलिया तोर जे बेनी भाई दुई भ्रातांक संगते बीजे गुंफानु बरते छपन भोग को भुंजु आनंद होई जय मात भुवनेश्वरी उग्र तारा महाकाली अछंती घेरी तप्त कांचन शरीर देखिबाकु मनोहर प्रात काले जथारवि दिशे सुंदर। केड़ बड़ कथा आज्ञा देखिले, प्रात काले जथारवि दिशे सुंदर भगवती देवी सुभद्रांकर रूप देवी मानंद कंदा भगवती देवी सुभद्रा। तेणु सुभद्रा होती मुख्य, सुभद्रा होती मुख्य, तैर मध्ये स्थिता भद्रां सुभद्रां कुंकुमारुणां सर्वलावण्यवसितं सर्वदेवा नमस्कृतम्। अने समस्त लावण्यर आश्रय महाविष्णुंकर हृदय कमल विलासिनी पद्म ओ वरमुद्रा धारिणी जे होती स्वयं भुवनेश्वरी, ये होती स्वयं भुवनेश्वरी भगवती देवी सुभद्रा। तेणु महाविष्णुंकर हृदय कमल विलासिनी पद्म वरमुद्रा धारिणी एवं अनेक दिव्य अलौकिक भूषण धारिणी एवं जो भक्त मांकर चरण रे शरण जाए भगवती शरणापन्नर मनोभीष्ट पूरणकारिणी परम ब्रह्मस्वरूपिणी माँ सुभद्रा को समस्त देवगण नमस्कार करुछंती। स्पष्ट भाव प्रमाण करुछंती शास्त्र जे सुभद्रा होती समस्त शक्ति मानंकर जननी ये क्षेत्र रे। तेणु भगवती सुभद्रा साक्षात भुवनेश्वरी, साक्षात भुवनेश्वरी होती माने वामदेव संगीता नीलाद्री महोदय मतरे सुभद्रा श्रीक्षेत्र अष्ट शक्ति स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य अनुसार मध्य सकल शक्ति मानंकर अष्ट चंडींकर जननी माँ पार्वतींकर जननी होती सुभद्रा। तेणु माँ को रथ में नवशक्ति अच्छा एवं से नवशक्ति मध्य विमला सर्वमंगला होती अन्यतम ये कथा कहगला। तयर मध्य स्थिता भद्रां सुभद्रां कुंकुमारुणां सर्वलावण्य वसतिं सर्वदेवा नमस्कृतम् समस्त देवतागण प्रणाम करंती भगवती देवी
सुभद्रा आश्रय ने भक्त अभयवर प्राप्त हो थाए भगवती माँ सुभद्रा तेरे सुंदर भाव रे भक्त माने जेते बले दर्शन करने जामती गरुड़ स्तंभ पछपटे दर्शन करती जगन्नाथ महाप्रभु बड़ ठाकुर पूर्ण दर्शन प्राप्त हुए ना अधा अधा दर्शन प्राप्त हुए किंतु देवी सुभद्रा पूर्ण दर्शन प्राप्त हुए। नीलाचल पुष्करिणी बिकच हेमनलिनी प्रफुल्ल हासिनी सुरासुर चर्चिता कमल शरीरा विश्व जननी अर्जुन निश्व संपद स्वरूपा भगवती देवी सुभद्रा माँ सुभद्रा जहांकर कृपा ही गले ये जीव भवसागर उतरी जाए चढ़ी से देव दलना रथे सारथी अर्जुन सुदर्शन अंग रखी अटे जे पुण आग पछे बेनी भाई मध्ये सुना चंद मुहि श्री गुंडीचा यात्रा करू आनंद मन भक्त संगे होइण मेली भगवती भक्त संगे होइण मिली माँ करुणामयी माँ तो कंपिल्ल वासिनी अली अली भगनी कालिया बलियांकर हे माँ भगवती सुभद्रा कालिया बलिया होती तुम्हर बेनी भाई आउ दुई भ्राता संगते आपण विजय करिछंती ये नीलाद्रि गुंफा भीतरे छपन छपन भोग को नीति आपण भोजन करुछंती माँ हे माँ भुवनेश्वरी आपण पाखरे उग्रतारा अच्छा महाकाली अच्छा उग्रतारा किए ना बलभद्र उग्र तारा नामे पूजित हे बलराम बड़ ठाकुर होती उग्र तारा शक्त मानंकर मतरे एवं जगन्नाथ महाप्रभु होती नीलाद्रौतु जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका साक्षात दक्षिण कालिका बोली कहगला अनेक तत्व रही देवी को नहीं सुभद्रा मध्यस्थ सुभद्रा मझे विराजमान एवं भगवती सुभद्रा होती भक्ति स्वरूपा ज्ञान भक्ति वैराग्य वैराग्य होती बड़ ठाकुर ज्ञान होती महाप्रभु और भक्ति भक्ति हेले सुभद्रा मनुष्य जीवन रे ज्ञान अल्प हेले चलिबो वैराग्य अल्प हेले चलिबो किंतु भक्ति पूर्ण मात्रा रे रहिबा दरकार एतेपाई पूर्ण दर्शन देवी सुभद्रांकर गरुड़ स्तंभ पछपटे भलगिरी आमे दर्शन करूचे देवी सुभद्रांक दर्शन तत्व रहिले सुभद्रा मालिक होउछंती बड़ ठाकुर बड़ भाई जेतु घर मुरबी से होती मालिक एवं नाम तत्व रही जगन्नाथ महाप्रभु किए कड़े जाऊ आम जन को पचार मंदिर भितर को प्रवेश करुवे पचरा जा कड़े जाऊ जगन्नाथ को दर्शन करने कहीं बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन सेठी नहांती अच्छा किंतु नाम है महाप्रभुंर जगन्नाथ नाम गोटी हीरक समान हृदय सिंधु के ताकु रखी थारे धन तेणु नाम तत्व तो ने महाप्रभु एवं दर्शन तत्व देवी सुभद्रा सुभद्रांकर जेपरी दर्शन प्राप्त हुए आउ कौन
भलरे दर्शन आम कह रु कहले भगवती माँ तो कांपिल्यवासिनी जोग माया भगवती देवी सुभद्रा भक्त मान को दर्शन दे था एवं माँ सुभद्रा भद्रा भद्रदायिनी देवी सुभद्रा तेणु श्रीमंदिर गर्भगृहस्थ रत्न सिंहासन रे विराजित चतुर्धा विग्रह मध्यरे जी होती शक्ति स्वरूपा परम रहस्यमयी श्री रूपिणी देवी सुभद्रा होती अन्यतमा एवं स्कंदपुराणोक्त पुरुषोत्तम महात्म्य रहस्यमयी देवी को महालक्ष्मी रूप से जगन्नाथ शक्ति कह सी ही समग्र सृष्टि स्रष्टा आदिमाता होती देवी सुभद्रा एटी सुभद्रा होती मुख्य विष्णुंकर माया रूपी सुभद्रा ही सर्वलोक रे जननी तथा सकल पदार्थर मूल अटंती आउ से केवल माया शक्ति नुहंती से होचंती एकानंशा आद्याशक्ति भवतारिणी सर्वदेवींकर मध्य होचंती श्रेष्ठा एवं भवानींकर स्वरूपा गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी भवाब्धा वपारे महादुख भीरु प्रपात प्रकामी हे भगवती आपण होती भवानी गतिस्तम आपण ही होती मोर गति मुक्ति सर्वस्व होती हे भद्रा आपण सर्वलोकर जननी होती सकल पदार्थर मूल अटंती देवी भगवती सुभद्रा तेणु से केवल मायाशक्ति नुहंती आद्याशक्ति भवतारिणी सर्वदेवी मध्य श्रेष्ठ माँ भवानी स्वरूप एवं देवी भागवत देखिए सुभद्रा को कहगला कौन ना जोग निद्रा भद्रकाली ये सब रूप से वर्णना कर देवी भागवत भगवती सुभद्रा को जोग निद्रा बोली कह प्रभु भद्रकाली रूप से वर्णना कर स्कंद पुराण रे जहाँ वर्णना है स्कंद पुराण रे भगवती सुभद्रा को कात्यायनी रूप से अभिहित करपाई देवी सूक्त अनुसार अर्चना कराई मार्गदर्शक मान मार्गदर्शिका रही सुभद्रांकर अर्चन देवी सूक्त देवी सूक्त पूजा हम तेणु नीलाद्री महोदय रे देवी सुभद्रा को शिवा ब्रह्म रूपी रुद्राणी कालरात्रि वैष्णवी माँ लक्ष्मी भुवनेश्वरी बोली मध्य मान्यता मिली सुभद्रा होती मुख्य शक्ति सेपरी सारला महाभारत रे देवी सुभद्रा को ब्रह्मा रूप से कहगला चतुर्धा मूर्ति होती कौन ना चतुर्धा मूर्ति होती चारि वेद ऋग्वेद अथर्ववेद साम वेद यजुर्वेद ऋग यजु साम अथर्व चारि वेदर कथा आसला एवं ये जो चारि वेद जेतु चारि चतुर्धा मूर्ति को चारि वेदर सहित तुलना कर भगवती सुभद्रा चतुर्धा विग्रह मध्य देवी सुभद्रा होती यजुर्वेदर प्रतीक तंत्र शास्त्र रे आप देखिए ओडिशा को माने उड्डियान पीठ बोली कह जाए उड्डियान पीठ महान पीठ तंत्र शास्त्र आई परम रहस्यमय ये जो उड्डियान पीठ ये उड्डियान पीठर
परम आराध्या होती भगवती देवी सुभद्रा कंपिल्यवासिनी चारि वेद भितर मा होती यजुर्वेद तेणु भगवती अनेक रहस्य रही देवी सुभद्रा आप देखिए मैंने उड्डियान पीठ उड्डियान पीठर केन्द्रस्थल संजोग शक्ति जोगमाया माँ सुभद्रा विराजमान कर उड्डियान पीठर ठीक मझीरे केन्द्रस्थल विराजमान कर वास्तव में तंत्र मतरे भद्रा स्वरूपा सुभद्रा तंत्र जहा कहे सुभद्रा हो समस्त शुभकर्मर उत्स तेणु देखिए शक्ति उपासन सुभद्रा को सर्वश्रेष्ठ मान्यता दि जाए स्कंदपुराण अनुसार वामदेव संगीता नीलाद्री महोदय अनुसार सुभद्रा ठारू समस्ते इटि सुभद्रा ठारू दुर्गा जय दुर्गा आज्ञामाल प्राप्त हूँ एवं जगन्नाथ महाप्रभु ठारू माधव ये परंपरा ये विधान स्वतंत्र विधान जहाँकि अन्यत्र कौटी देखा मिल न था ये स्वतंत्रता तेणु समस्त शुभकर्मर उच्च होती भगवती सुभद्रा ये शक्ति उपासन सुभद्रा को सर्वश्रेष्ठ मान्यता रही वैष्णव उपासक माने माने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम ये भाव उपासना करी थांती एवं पूज्य जगतगुरु श्रीमत शंकराचार्य चतुर्धा विग्रह उद्देश्य जो स्तव रचना करी ता भीतर आप देखिए सुभद्रा को जोगमाया भाव अभिहित करी कामपाल रूपी श्रीबलभद्र और स्वयं भगवान श्री जगन्नाथों मध्य भाग प्रतिष्ठित होती शक्ति रूपिणी देवी सुभद्रा ये उड्डियान पीठ उड्डियान तंत्र प्रथम पटल जहाँ वर्णित अच्छी से तथ्य अनुजाई ये श्रीपीठ रे अधिष्ठात्री देवी सुभद्रा होती आत्मशक्ति एवं श्रीमंदिर रत्न सिंहासन अधिष्ठिता देवी सुभद्रा ये होती समन्वयर प्रतीक परम रहस्यमयी से होती लक्ष्मी स्वरूपा एवं से लक्ष्मी स्वरूपा हुई विष्णुंकर बक्षस्थल रे गौरी रूप रे प्रलय तत्व रे शिवंकर अर्धांगिनी एवं सरस्वती रूप रे सृष्टि तत्व रे ब्रह्मांकर मुखपद्म रे विराजमान होइचंती एवं आउ केतकंक मतरे जो पंचदेव उपासन श्री जगन्नाथ नारायण बलभद्र हो शिव सुदर्शन हेले सूर्य माधव हो गणेश देवी सुभद्रा हो अंबिका अटंती पंचदेव उपासन एवं शरीर तत्व रे भगवती देवी सुभद्रा हो पिंड पिंड हो देवी सुभद्रा एवं पिंड ओ ब्रह्मांड मध्य रे जो रही आमर आज्ञा चक्रर अधीश्वरी देवी होती सुभद्रा चक्र गुड़िक रही देह भीतर तेणु आज्ञा चक्रर अधीश्वरी देवी इतक कथा मध्य शास्त्र कही रत्न सिंहासन माँ देवी सुभद्रा स्कंदपुराण उत्कल खंड रे कहिले देवी सुभद्रा होती हरिति वर्ण अटंती जय भद्रे सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी भद्रा भद्र स्वरूपे त्वं भद्रकाली नमोस्तुते जय भद्रे सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी भद्रा भद्रस्वरूपे त्वं भद्रकाली नमोस्तुते हे देवी सुभद्रा हे मंगलकारिणी
ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାୟିନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ ଆପଣ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହେ ଭଗବତୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାୟିନୀ। ହେ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପା, ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ, ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଭଦ୍ରକାଳୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସେମିତି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦେଖିବେ ରଚିତ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାରେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ଚାରିବେଦର ପ୍ରତୀକତନ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଋକୁବେଦର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପୁଣି ଗୁପ୍ତ ଗୀତାର ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ଅଧରର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବୀଜ ହେଉଛି ରିଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ରାଶି ବିଛା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏ ପରବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ତିନି ବିଗ୍ରହଙ୍କର କପାଳ ଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁଶୋଭିତ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଚିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରତ୍ନ ଚିତାକୁ ମର୍କତ ଚିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ମା ଯେଉଁ ଚିତା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଧାରଣ କରିଥିବା ଚିତା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମର୍କତ ବା ପାନା ରତ୍ନ ପଥର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ଏଇ ଚିତାର ତିନୋଟି ବେଢ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଣିକ୍ୟ, ମରକତ, ହୀରା ଏବଂ ମାଣିକ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଚୁନି ଚୁନିକିରି ହିଁ ରହିଛି। ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ଦେବୀଙ୍କର ସହ ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଭଳି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୈତାପତି ସେବକମାନେ ହସ୍ତ ପିଠି ଅଣ୍ଟା ସ୍କନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ସତ୍ୟଲୋଭୀ ମୁତାବକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ତିନି ବାଡ଼ରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ତାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବାଡ଼ ବା ମଝି ବାଡ଼ ଅନ୍ୟତମ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜନୈକ ପାଳିଆ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଏକାକ୍ଷରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ମଝିବାଡ଼ର ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଅବକାଶ, ସ୍ନାନ, ମୈଲମ ଓ ବେଶ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରମାନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ତଡ଼ଗି, କିରୀଟ, ଓଡ଼ିଆଣି, କାନ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘାଗଡ଼ମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି, ସେବତୀମାଳି, ଏସବୁ ଭଗବତୀଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ବିଶେଷ ଶୃଙ୍ଗାରମାନଙ୍କରେ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରିକେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। ତେଣୁ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳରେ ମାନେ ନବକଳେବର ହୁଏ, ନବକଳେବର ପରମ୍ପରାରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ, ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ, ସର୍ବୋପରି ଅଣସରରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଯେଉଁ ପୂଜିତା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀରେ ବାହାରକୁ ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୟନ ନୀତି ଉତ୍ସବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ଗ ଶୟନ ଉତ୍ସବ ନୀତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ତ ଆଗୁଆ ସୁଭଦ୍ରା ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ, ଆଉ ଦୁର୍ଗା କ'ଣ ଶୋଇବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା।
ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ସମୟରେ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଓ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ପୂଜିତା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଭଗବତୀଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ମା ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିବା ବେଳେ ନିମ୍ନ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଅଭୟବରଦ ମୁଦ୍ରାରେ ସୁଶୋଭିତ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ କବି ଶାରଳା ଦାସ ଓ ଯଶବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ରାଧା ରସାମୃତ ଗୀତା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରାସେଶ୍ୱରୀ ବା ରାଧା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି ହେ ମା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି ରାଧା ଅଟନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱରୂପିଣୀ ଜଗତ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱରୂପିଣୀ ଜନମ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱରୂପିଣୀ ସନ୍ତାନେ କର ଆଶିଷ ଗୋ ମା ସନ୍ତାନେ କର ଆଶିଷ ଗୋ ମା ଦୁଃଖ ଫେଡ଼ ଜଗଦମ୍ବିକେ ମା ଦୁଃଖ ଫେଡ଼ ଜଗଦମ୍ବିକେ ମା ସିଂହବାହିନୀ ମହିଷମର୍ଦିନୀ ଆତଙ୍କ ନାଶିନୀ ଅମ୍ବିକେ ମା ଦୁଃଖ ଫେଡ଼ ଜଗଦମ୍ବିକେ ମା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ବସ୍ୱରୂପିଣୀ ଅଟନ୍ତି ଅମ୍ବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରାଧା ରସାମୃତ ଗୀତାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ରାସେଶ୍ୱରୀ ରାଧା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି ସବୁରି ରୂପରେ ତ ସେଇ ଭଗବତୀ ହିଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଅଟନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରାଧା ରୂପରେ କୁହାଗଲା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ହେ ମା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା ଆପଣଙ୍କର ବିନା କୃପାରେ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରାଧା ବୋଲି କୁହାଗଲା ଜୟ ଗୋପେଶ୍ୱରୀ ଗୋକୁଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମନୋହରୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀ କିଶୋର କିଙ୍କରୀ ରାସମୟୀ ରାସେଶ୍ୱରୀ ଗୋ ରାସମୟୀ ରାସେଶ୍ୱରୀ ନିକୁଞ୍ଜବାସୀ ନିକୁଞ୍ଚନ ଚାରିଣୀ ନିକୁଞ୍ଜବାସୀ ନିକୁଞ୍ଚର ଚାରିଣୀ ଜୟ କୁଞ୍ଜର ଗାମିନୀ ଜୟ ବିନୋଦିନୀ ବିନୋଦ ମୋହିନୀ ବୃନ୍ଦାବନ ବିଳାସିନୀ ଗୋ ବୃନ୍ଦାବନ ବିଳାସିନୀ ମାନେ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରାଧା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବତୀ ସୁଭଦ୍ରା ଆପଣ ସର୍ବସ୍ୱରୂପିଣୀ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରାଧା ରସାମୃତ ଗୀତା ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ରାସେଶ୍ୱରୀ ରାଧା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାରଳା ଦାସ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ରାଧା ରସାମୃତ ଗୀତାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ରାସେଶ୍ୱରୀ ରାଧା ରୂପରେ ଅବତାରଣ ସେଠି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅଧିଷ୍ଠିତା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ
ए रहस्यमयी देवी को श्री मंदिर रे स्वतंत्र भाव रे पूजा भोग मनोही बेश आलती इत्यादि इसु पालिया सेवक मानंकर द्वारा करा जाय आसु अछि। स्कंद पुराण ब्रह्म पुराण पद्म पुराण नीलाद्रि महोदय वामदेव संहिता ये इत्यादि जिते सब पुराण ग्रंथ इसबु रही समस्ते सुभद्रांकर संबंध रे वर्णना ओ विभिन्न स्तुति गान करी एवं श्रीमंदिर रत्न सिंहासन रे विराजिता देवी सुभद्रा श्री जगन्नाथ चिंतन रे एक संजोग कारिणी शक्ति अटंती से आद्याशक्ति अटंती से जगत जननी अटंती से भुवनेश्वरी भावर मध्य पूजिता आराधिता उपासित हुंती ए क्षेत्र रे वर्षा पड़ुची देखिले पतित पावन नेत वर्षा भीषण भाव वर्षा होची प्रातः काल यदि आप देखिए अत्यंत भीषण वर्षा एवं एपरी वर्षा निश्चित भाव रे भक्त माने जे जो टे आश्रय नहीं आश्रय पाई से दंडायमान हो तेणु नीलाचल पुष्क नीलाचल पुष्करिणी विकच हे मनलिनी प्रफुल्ल हासिनी सुरासुर चर्चिता कमल शरीरा विश्व जननी अर्जुन निश्व संपद स्वरूपा वसुदेव वनिता प्रपन्न रे अभय प्रदा वंदे जोग माया एक नमसा सुभद्रा वंदे जोग माया एक नमसा सुभद्रा भगवती देवी सुभद्रा होती एक नमसा सुभद्रा आदि शक्ति परंबा जोग माया निजे निजे महामाया तनु जगन्नाथ रूपे हरि विजय करिबे कलिजुग नरंकर दुष्कृत हरिबे महाप्रभु जेतेबेले जगन्नाथ रूप रे विराजमान करिछंति कलिजुग रे विराजमान करिबे सेतेबेले कोन ना गत दोष उपेक्षा करिबे देव हरि ब्रह्मा बसिबे संगे सुभद्रा रूप धरि ब्रह्मा बोली कह जाइछि भगवती देवी सुभद्रांकु मध्य भाग रे ब्रह्मा रूप रे विराजमान करिछन् एकई मूर्ति जे चारि रूप होई जगन्नाथ बलभद्र सोहद्री सुदर्शन नाम बही सुभद्रा होती साक्षात ब्रह्मा ब्रह्मा रूप से वर्णना कर सारा दास लिखित महाभारत जोग माया एवं श्रीकृष्णंकर अभिशाप बलरे ब्रह्मा छद्म बेशरे सुभद्रा रूप से पूजा पाउछन्ति सारला दासंकर मतरे तंकर महाभारत एवं जशवंत दास मध्य प्रेम भक्ति ब्रह्म गीतारे अच्युतानंदंकर दासंकर मनमथ चंद्रिकारे एवं विष्णु केसरी पुराणरे एवं मार्कंडेय पुराणरे सुभद्रांकु ब्रह्मा बोली प्रतिपादित करयैछि तेनु विष्णुकेसरी विष्णुकेसरी पुराण रे कौन कुआ गला ना ए दोषरु विधाता तु स्त्री रूप हुओ बेनी पुरुष मध्य रे तुहि बसी थाओ सुभद्रा नाम बहिण नीलाचल वासे विष्णु दक्षिण अनंत देव बाम पासे मध्ये बसिबु जुवती
रूप तु ही धारी कर कर्णांचल हृदय गोप्य करी। मार्कंडेय पुराण ने मध्य कुआ गला ब्रह्मा विष्णु ईश्वर आवर दिनाम दिनमणि एविधि चारि रूप जगत चिंतामणि केते किभली भाव वर्षा होउछि आपण देखि पारुछन्ति स्पष्ट भाव रे परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रु जय जगन्नाथ टीवी रो सीधा प्रसारण रे आपण माने दर्शन करुछन्ति एवं किपरि भाव रे वर्षा आपण देखन्तु जे वर्षा केते जोरे तेणु इपटे आलती रो सुंदर भाव रे आलती हेलाणी कर्पूर आलती महाप्रभुंकर दर्शन करुछन्ति आपण माने यद्यपि वर्षा होउछि तथापि महाप्रभुंकर आलती दर्शन करुछन्ति आपण माने अति सुंदर भाव रे एवं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। असंतु भावपूर्ण भजन मैं परिवेश आरती दर्शन करिवाजे।